ये जो कल छापा पड़ा है, जो बात कही गई है, क्या सही है गलत है? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं, ये क्या करने आए थे वहाँ पे? तो आपको किस काम में फोन लगाया? आपको फोन भर्ती किया आपको? इसका खुलवा दीजिए ना सर। ये सब पूरा खुलवाइए। ठीक है ठीक। भाई कब से चला रहे हो ये? 6 साल से चला रहे हो। तो ये जो लड़कियां पकड़ाई हैं आज, इनको आपने कब बुलाया? कहां से छुट्टी आपने? इनमें से मैक्सिमम लड़कियां सर मेरे पास 3 साल से। 3 साल से कहां से आई हैं सर? आसाम से। तो ये आई है, इनका आपने पुलिस स्टेशन कराया आपने? इनका समय पे करवाते रहते हैं, जमा करवाता हूं। तो इन 8 का हुआ है? समय समय पे नहीं, इन 8 का? इनमें सर 3 का नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। क्योंकि अभी 3 न्यू आए थे, जैसे उनका लगता कि हाँ मेरा काम करने लायक है, अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी है, इनका करवाते हैं, इनका आप करवाते हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आपके ऊपर सर? अरे अरे, आपका सब चीज़ सही था, वहाँ कुछ गड़बड़ ही नहीं था। तो ये देखो आपके डेट में है, आप किस तरह का रजिस्टर मेंटेन करते हो आप देख रहे हो? शामिल किया था कि अच्छे प्रीमियम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, अच्छे स्वैप करके अपनी थेरेपी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो मशीन आता था वो खराब हो गया, एक्टिवेट ही नहीं हो पाया था। डीप थेरेपी क्या है जनाब? डीप टिश्यू थेरेपी सर बहुत हार्ट मसाज होता है, जो जिम करते हैं या लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं या लंबा स्टिंग करके रहते हैं, उनको ऑप्शन कर सकते हैं। चलिए फिर जब आप इतनी चीज़ें बता ही रहे हैं तो सुनना चाहते हैं, फिर CSP साहब भी बताएंगे आपके बारे में। भाई CSP साहब बताएं, क्या देखा आपने कल वहाँ पे? सर जो लड़कियों से बात किया और उनके मैनेजर से बात किया, तो बात कुछ होता ही नहीं, सिर्फ 1500 रुपये में। लड़कियाँ भी आएंगी, कहानी सुनाएंगी, बुला लीजिए लड़कियों को भी, उनके बुला लीजिए। 1500 रुपये का एक ही थेरेपी? आप पत्नी बता रहा हो? देखो मैं नहीं चाहता था कि तुम पूरा का सामने किए हैं। अरे आप चाहते हो कि किसी चीजें सामने आए तो सामने आएंगे। देखो मेरा तो हमेशा मानना है कि पार्टनरशिप तरीके से काम, यदि आप चाहते हो तो सामने भी मिल जाएंगे, मीडिया के सामने खुला है। बाकी CSP साहब बताएंगे क्या हुआ कल, क्या देखा उन्होंने? इसमें जैसे इन लोग का होता है कि काउंटर पे जाके एक ही पहले ही फोन आता है, इन लोग का एक लैंडलाइन नंबर है और एक छोटा सा फोन है जो शारिक के पास होता है, इस पे फोन कॉल आता है और पूछा जाता है कि कौन कौन लड़के अवेलेबल है। वो सबके नाम बोलती है, वो पूछता है कि ये लड़की है, ये लड़की है, उनके उनके जो रेगुलर जो जगह है जाना है। और जैसे वो बोलते हैं कि हाँ ये अवेलेबल है, फिर अपना अपॉइंटमेंट देते हैं कि 20 बजे आऊँगा, 8 बजे आऊँगा, 10 बजे आऊँगा, ये लड़की रखिएगा। और अंदर आके ही सिर्फ बेसिक 1500 रुपये उसको उस काउंटर पे देने हैं और फिर अंदर चले जाएगा। और अंदर जाने के बाद दरवाजे पे ये एक भर के फॉर्म बना के रखा होता है। स्पा में जनरली होता है कि कई दरवाजे ऐसे बंद दरवाजे नहीं होना चाहिए, स्पा में कर्टन होते हैं, कोई बंद दरवाजे के पीछे ऐसा कुछ करने का अलाउड नहीं होता है। ये बाहर रखा होता है, इन लोग दरवाजा अंदर से बंद करते हैं, जब तक ये कागज बाहर है तब तक कोई अंदर जाकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। लड़कियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि कोई स्पा जैसी मसाज जैसे कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एक ही काम होता है जो उनको पहले से बताया गया होता है कि यही करना है। आवाज कम। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, यहाँ पर आना है आपको? कैसे यहाँ पे नौकरी मिली आपको? दिखा भी नहीं। शांत जो 5 साल से हो, मैं बोलूँगा तो आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम चला कि यहीं पे आके काम करना है? 5 साल से पहले यहाँ बेंगलोर से आई थी। बेंगलोर से आई थी, कौन आपको भर्ती किया था? दोस्त के साथ आई थी। दोस्त के साथ आई थी। यहाँ पे जो कल छापा पड़ा है उसमें बात आई है कि आप लोगों के साथ शोषण हुआ है, क्या ये बात सही है? नहीं सर, मैं तो बैठा हुआ था। आप बैठी हुई थी,
तो अंदर कौन थी? अच्छा भाई अच्छा नाम मत लीजिए, पीछे रहिए। आप कब से मैडम इधर आई? 3 साल से आए हैं। ये जो कल छापा पड़ा है, जो बात कही गई है, क्या वो सही है गलत है? अंदर में थे आप लोग? अंदर में क्या शारीरिक शोषण भी होता है आप लोगों का? अंदर क्या होता है अंदर? हाँ क्या होता है? थेरेपी होता है, थेरेपी होता है। तो जो पुलिस ने कार्रवाई की है आपके अनुसार, कार्रवाई गलत है? सही है कार्रवाई? देखिए कार्रवाई सही है ना, ढंग से हिंदी में नहीं बोल पाते। तो आपको इस काम में कौन लगाया? आपको कौन भर्ती किया? आपको दोस्त भर्ती किया? तो आपको लगा नहीं कि काम गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए? आप बोले कोई बोले मुझे वापस जाना है? कहाँ के रहने वाले हो आप? असम? ये बोले नहीं मैं असम वापस जाऊंगी? हाँ अब आप क्या आगे करना चाहते हो? यहाँ रहना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो? वापस जाना, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? अभी आप नहीं रहोगे यहाँ पे। सैलरी कितना देते हैं आपको? 15,000 देते हैं। तो टाइम पर देते हैं? टाइम पर सैलरी आप यहाँ कब से हैं? 3 महीने से नए भर्ती हुए हो। आपके साथ भी ये गलत काम हो रहा था क्या यहाँ पे? हाँ आपके साथ कुछ नहीं हुआ था? अभी आप क्या कर रहे थे? आप बैठते थे बस, फोन चला रही थी। तो ये जो छापा पड़ा पुलिस का, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? पुलिस गलत कार्रवाई की, ठीक कार्रवाई की? ठीक कार्रवाई की। क्या ठीक कार्रवाई की पुलिस? ये जो लड़के सब हैं जो पकड़ाए हैं, ये क्या करने आए थे वहां पे? थेरेपी में क्या होता है आपको पता नहीं? आप तो नए आए थे, लेकिन सुने तो हो गए ना आप, जो 3 महीने हो गए तो कोई कुछ बोलता नहीं है। थेरेपी करने वाले कौन कौन है यहाँ पे? पुराने लोग कौन कौन थेरेपी करते हैं? तो आप भी थेरेपी में हो ना? उस टाइम आप नहीं कर रहे थे। बाकी लोग थेरेपी करते हैं, कुछ गलत काम होता है क्या? आपके साथ कभी गलत हुआ तो अपना ही बता सकते हो ना, आपने कभी गलत क्या सुना? तो पुलिस को छापा क्यों पड़ा फिर? यदि कोई गलत काम ही नहीं होता तो पुलिस को छापा क्यों पड़ा? आप बताओ ना, यदि कुछ गलत काम ही नहीं हुआ तो पुलिस को छापा ही क्यों पड़ा? नहीं तो फिर तो आप लोग पर भी कार्रवाई हो जाएगी। यदि आप बोलोगे कि कुछ ऐसा है ही नहीं तो वो लोग तो आए थे, तो आप लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी मुझे। आप लोग चाहते हो कि आप लोग पर भी कार्रवाई हो? जो सही चीज है बताओ फिर, तब तो कार्रवाई होगी ना। गलत काम को तभी हम रोक सकते हैं ना जब लोग आगे आएंगे। तो खुद ही आप लोग शोषण कराओगे अपना, तो क्या विक्टिम हो फिर? तो कार्रवाई करनी चाहिए आप लोग के ऊपर भी। इधर आए मैडम, आप इधर आए, आप बताएं कल क्या पुलिस की कार्रवाई हुई, उस टाइम क्या हुआ? बताओ पुलिस की कार्रवाई हुई ना, पुलिस की कार्रवाई क्यों हुई आप बताओ? क्या चीज के लिए कार्रवाई हुई पुलिस की? किस अच्छाई के लिए हुई? हाँ क्या हो रहा था वहाँ पे बताओगे तब ना, कुछ गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये बताओ, चलो क्या हो रहा था, गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो फिर वो आगे वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे फिर करना पड़ेगा, फिर सब पे कार्रवाई करें, ठीक है? ये देखिए पढ़ें, रशियन थेरेपी फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ कपल रूम स्टीम बाथ। मैडम हम लोग ऐसा नहीं है, एविडेंस बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बताओगे तो ऐसा नहीं है। ऐसा था कि हम तो चाह रहे थे विक्टिम को आप लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन आप लोग चाहते हो सबके ऊपर कार्रवाई हो, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आ भाई मैडम, आप कब से हैं?
आप एक दिन से एक महीने से आपने वहाँ क्या देखा? किसको पकड़ा था रेड में? किस लड़की को? हाँ कौन है आते आज आइए मैडम, आप लोग चाहते हो आप लोग अलग करके बुलाया जाए तो आपकी मर्जी है। पीछे आपको क्या करते हो पकड़ा गया पुलिस द्वारा? कपड़ा खोल रहे थे पकड़ा, ठीक है। जैसा आप समझ सकते हैं कहाँ गया भाई उनके वो संचालक भाई, ये कपड़ा खोलने का काम महिलाओं को दिया है आपने? नहीं पुनः आप बात आप चाहते हो सब चीजें खुलवा के बोलूं तो मैं बोलूंगा फिर। अरे भाई सामने बोल रही है, ये कपल डोर बंद करने का नियम किसने बनाया पता है आपको? उस पार के नियम बहुत आती है तो डोर बंद करना पड़े, डोर बनाओ गया निकाल देंगे सर। नहीं वैसे तो डोर का सिस्टम रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन लेडीज थेरेपी के कारण से उनको रखना पड़ता जेल में बना। अरे भैया तो पुरुष जाएंगे तो भी बंद रखोगे तुम, लेडीज थेरेपी लेडीज के लिए कहानी सुना रहे हो, पुरुष जाएगा बंद रहेगा, कपल रूम का है। तुम चाहते हो सारे व्हाट्सएप जो फोन से मिले हैं लड़कों के मैं वायरल कर देता हूँ, अभी तुम्हें अपने सामने मीडिया में देता हूँ, चाहते हो क्या? चाह रहे हो क्या? चाहोगे तो सारे एविडेंस मैं अभी प्रस्तुत कर दूंगा, फिर ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। जो गलत किए हो मानो कम से कम, ठीक है? बाकी तो कानून का है, कानून में कोर्ट में जाके जो बताना होगा बताएं, आपकी अपनी राय रखने का वहाँ अधिकार है, लेकिन जो गलत किए हो समझो वो पूरा सूर्या मॉल है वहाँ पे, वहाँ पे सारे हिंदी लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग जाते हैं, वहाँ परिवार जाते हैं, बच्चे जाते हैं, इतना तुम लोगों को भर रखा है तुमने। बताओ भाई वहाँ क्या होता है, क्या करने गए थे? थेरेपी के नाम से गए थे, होता क्या है थेरेपी के नाम पे वहाँ पे, क्या क्या लेके गए थे वहाँ पे? जेब से कितने, जेब से कॉन्डोम कितने निकले भाई इनके? तीन कॉन्डोम निकले। कॉन्डोम वहाँ पे गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे वहाँ पे? गुब्बारे फुलाने गए थे क्या? लाना जी था ना यहाँ पे आपको लाना जी था जबकि कल लाए हैं जनाब, स्प्रे क्या करने लाए थे जनाब भाई? इनका मोबाइल है, मोबाइल का इसका जो पीडीआर निकाले और कल मीडिया में इनका पूरा जो है ना इसको ये करें भाई। देखो मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, समझा रहा हूँ, ये जो पीड़ा है ना लाल हो जाओगे पूरे, ठीक है? जो गलती किए हो तो मानो कम से कम, ठीक है? कहानी सुना रहे हो अलग, मुझे कॉन्डोम तुम गुब्बारे फुलाने के लिए गए थे, स्प्रे तुम वहाँ पे हवा में खुशबू फैलाने के लिए गए थे, और कितने बजे गए थे तुम वहाँ पे, कितने बजे गए थे? कुछ लोग तो 11 बजे भी आए थे पता है आपको, कुछ लोग रात्रि मसाज भी कुछ लोगों को चाहिए 11 बजे 12 बजे 1 बजे सर्विस आवर्स पता है कितने बजे कहाँ है मालिक है बारे आप लास्ट है। मेंबरशिप नंबर क्या है मेंबरशिप नंबर क्या है? ये सर इसका मेंबरशिप नंबर इतने बार आ चुका है जनाब ने पिछले एक महीने में कितना मसाज, दो तीन महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तो वाइफ ले चुका है भाई, इतना तो एंट्री है, विदाउट एंट्री कितनी होगी भगवान जाने। मैं नहीं चाहता एक एक करके पलट पलट खोलना, ठीक है? मेरे से भिड़ोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, जो गलती की हो चुपचाप मानो, ठीक है? नहीं तो अभी चेहरा तुम्हारा बंद है, खोलना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? जो चीज किए हो मानो, ठीक है? इनके भरोसे मत रहो, साहब कोई मदद नहीं करेंगे आपकी, ये तो कोर्ट में जाके कुछ आप मुश्किल में फंस जाओगे, ठीक है? सब बातें खुलेंगी तो आपकी इज्जत जहाँ बट्टा लगेगा, ठीक है? सर ये रईस लड़कियां कैसे लाता था, कांटेक्ट कैसे करता था?
नहीं सर, वहाँ से कैसे कांटेक्ट करके लाता कैसे था ये? अभी आगे तो एम्प्लॉयज के नाम पे लाते थे, कैसे करते थे उन चीज़ों पर। पुराने एम्प्लॉयज भी हैं, कुछ 5 साल के हैं, कुछ 3 साल के, कुछ नहीं जाता हमारी। चलिए एसपी साहब ये बताइए पकड़े कैसे, अपनी टीम में गई थी अपनी टीम? हाँ ये बताएंगे एसपी साहब, बताएं कैसे कल कार्रवाई की। थोड़ा सा बोलो, हमको सूचना थी कि कुछ स्पा में काम चल रहा है, कि देह व्यापार हो रहा है, तो इसमें हम अपने एक पॉइंटर को भेजे थे कि ये चेक करके आएगा कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या। जैसे ही वो अंदर गया, बातचीत हुआ कि 1500 रुपए दिया और सिग्नल कर दिया कि मेरे को एक्स्ट्रा वाला चाहिए। एक्स्ट्रा तो 1500 काउंटर पे दे के अंदर गया। बाद में जब मिले ये सूचना तो थी, पर अब कब से हो रहा है ये चीज, मतलब ये भी समय नहीं पता कि कब से हो रहा है, लेकिन बताया गया था कि स्पा में चल रहा है, कई जगह के स्पा में ये चल रहा है। तो जैसे हमने डिसाइड किया कि कहाँ ज़्यादा चल रहा है, उस पहली जगह वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक आदमी को भेजे थे और उसने वहाँ जाने के बाद जैसे ही सिग्नल दिया कि हाँ बात हो चुकी है, अब इसके बाद होगा, तो हम 10 मिनट इंतजार किए और उसके बाद सब लोग महिला आरक्षक को लेकर रेड किया। जब अंदर गए तो ये हमारा पॉइंटर और यहाँ की जो एक महिला है वो संदिग्ध अवस्था में हमको मिली। और फिर जैसे ही हमने पूरा सर्च करना शुरू किया तो कई जगह पे कॉन्डम अलग बाथरूम के ऊपर एक जगह पे कॉन्डम रखा हुआ, कई दरवाजे के ऊपर में कॉन्डम रखा हुआ, कुछ जगह पे यूज कॉन्डम भी हमने जब्त किया। क्या हुआ 1500 रेट और ये पहले फोन करके आते कौन सी लड़की के साथ करना है, कुछ है जो ये सब करते है कुछ नहीं करते, उनका ऐसा मतलब वो सेट बना हुआ है, वो नाम लेके बताया। नहीं नहीं वो फोन पर बात करते हैं, पहले आने से पहले पूछते हैं कि कौन कौन आज सर्विस के लिए अवेलेबल है, और जब उनका जो चाहिए वो अवेलेबल है तब वो जाते हैं। सभी लोग यहाँ जितने भी ग्राहक है सब फोन करके आए, सबका सीडीआर डिटेल भी हमारे पास, सब इसमें से कुछ लोग मेंबर है जिनका पूरा रजिस्टर है, ज्यादातर लोग लंबे मेंबरशिप कार्ड मतलब उन लोग का नंबर है, कार्ड दिया नहीं गया। इन लोग ऑफर चला रहे सर 10,000 में 15 सेशन, 10,000 में 15 सेशन, ऐसे उनका 1500 का कुछ है तो ऑफर चला के कुछ कराए थे। कार्ड बटे नहीं है लेकिन नंबर सबके डल गए। पॉइंटर के बारे में बताइए सर। हाँ तो वो जब अंदर गया उसने सिग्नल दिया कि बात हो चुकी है, उसके बाद हमने 10 मिनट इंतजार किया और उसके बाद वहाँ पे जाके रेड किए। यूज कॉन्डम भी हमने उसमें जब्त किया है, वो डस्टबिन से हमको यूज कॉन्डम मिले थे, और बाकी जो कॉन्डम के पैकेट अलग अलग जगह पे अलग दो बाथरूम है वहाँ पे छुपाए हुए थे और कुछ बेड के नीचे छुपाए हुए थे। कहना चाहेंगे जनाब इसमें यूज कॉन्डम कहाँ थे आपके यहाँ मिले? अरे कम रहते हो तो आपके यहाँ कुछ भी हो जाएगा। वही सर, नहीं रहने के कारण ये तो ये गलती मानो ना भाई, उनको बोल रहे कुछ हो ही नहीं रहा। तो यूज कॉन्डम, ये कॉन्डम को खाने पीने की चीज है क्या? गलत चीज। हाँ ये इनके साथ दो महिला मैनेजर हैं जो पूरा एक्सेप्ट किए कि सामान मिला जो चीज होना चाहिए। हाँ ये भी आया था बेड नहीं, ये मालिक का सामान एकदम मिला ही नहीं कुछ यार। आपने क्रीम है, मसाज क्रीम, मसाज ऑयल, कंट्राबैंड डाल रखे खा लो। अरे बात करो भाई यार, ऐसा करना इनका जो क्रीम जो मिला ना, कुछ जो मिला वो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसको कैफे लगाते हैं यही बताएंगे उससे। मेरे तो समस्या पड़े है कि वो कैफे वो लगाया जाता है, तो खुद डॉक्टर हूँ लेकिन मैं तो उसका इस्तेमाल नहीं समझ पाया, ये साहब ही बता पाएंगे उसका इस्तेमाल। और सर कोई स्पा करने आता